हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपना पेपर अच्छे से दे पा रहे होंगे। ऑन टाइम आपने जाकर पेपर दिया होगा और अच्छे एक पॉजिटिविटी के साथ आपका पेपर आपने अटेम्प्ट किया होगा, और जिसका पेपर रहता है वो भी एक पॉजिटिव वे के मतलब उसके अकॉर्डिंग ही अपना पेपर अटेम्प्ट करें। लास्ट अब क्रियाई क्या हुआ उसको छोड़कर अभी जो आपका पेपर का सेशन चला हुआ है उसको एक फ्रेश माइंड के साथ अटेम्प्ट करें, और उम्मीद करती हूँ कि आपके मार्क्स उसमें पहले से बेटर आएंगे, अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। और रही बात आज के वीडियो की, वीडियो इस रिगार्डिंग है कि बच्चे री इवेल्युएशन के रिगार्डिंग बार बार क्वेश्चन करते हैं कि री इवेल्युएशन का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, री इवेल्युएशन का रिजल्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी देना शुरू कर दिया है, बट सभी स्टूडेंट्स का उसमें रिजल्ट नहीं आया है, सभी का शो नहीं कर रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा है। सो आप अपने यहाँ पे अपने कॉलेज से बात करके, कॉन्टैक्ट करके, या फिर अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। अगर आपने खुद अप्लाई किया हो अपना फॉर्म तो आप ये पता कर सकते हैं कि आपका रिवेल्युएशन का रिजल्ट आया नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर रिवेल्युएशन का रिजल्ट पहले आ जाता है तो कुछ बच्चों की अगर री आई हुई है तो उसमें क्या होगा कि अभी जो पेपर चले हुए हैं उनको वो पेपर नहीं देना पड़ेगा। बट यहाँ पर भी एक बच्चों की क्वेरी है कि हम री इवेल्युएशन में पास हो गए हैं बट हमने एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई किया था, और क्या हमें अभी भी पेपर देना पड़ेगा? तो कुछ कहते हैं कि क्या हम उसमें एब्सेंट मार्क किए जाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऑलरेडी मार्क्स बढ़ चुके हैं और ये क्लियर है, ये फाइनल है कि आप पास हो चुके हो। तो आपने बेसिक एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई किया था, वहाँ पर चाहे एबसेंट लगे चाहे कुछ लगे, उसका आपके रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली जो आपकी मार्कशीट आएगी उसमें आपके वो जो रिवेल्युएशन के जो मार्क्स हैं वो ऐड होके आपकी न्यू मार्कशीट बन के आएगी, ठीक है? तो इसमें तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि नहीं भाई, रिस्क नहीं लेना है, आपने आपके बेसिक नंबर बढ़ गए हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं पता, ये तो फिर भी आपको फेल कर देगी, आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको तो वो भी करना चाहिए, पेपर भी देना चाहिए। देखिए, इट्स ऑल अप टू यू, आपके ऊपर है। मेरे अकॉर्डिंग जो हमारे इंस्टीट्यूशन में होता है मैंने वो आपको बता दिया। रही बात इस चीज़ की, क्वेश्चन करते हैं बच्चे की, और जो फर्स्ट पेपर, फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी रहता है पेपर में, कहते हैं कि उसको पहले स्टार्टिंग में ही लिखना है, शुरू में ही अटेम्प्ट करना है, नहीं तो नंबर कटते हैं। दीदी, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, नंबर कब कटते हैं? नंबर तब कट सकते हैं, आपने पहले चार क्वेश्चन, चार यूनिट से अटेम्प्ट कर दिए, अब एक बचा आपका कंपलसरी क्वेश्चन। तो कंपलसरी क्वेश्चन मान लो आपने आगे ये शो नहीं किया, ये हाईलाइट नहीं किया कि ये चार मेरे हो चुके हैं, और एग्जामिनर को ये मतलब पास पेपर चेक करते हुए वो जल्दबाजी में अगर पेपर चेक कर रहा है तो उसको ये हाईलाइट नहीं हुआ कि बच्चे ने आगे वो क्वेश्चन भी लिख रखा है जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कंपलसरी है जिसके चार पार्ट हैं। यहाँ हो सकता है वो तो नेचुरली चला गया ना कि वो वाला पार्ट आपका चेक ही नहीं हुआ, तो वो एक बात मानी जा सकती है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आप बच्चे क्या करते हैं, पहले उन्होंने फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन किया, फिर उन्होंने सेकंड का किया, फिर वो फर्स्ट करेंगे, फिर वो थर्ड यूनिट का करते हैं, फिर कहीं जाके वो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंपलसरी वो करते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी पेपर चेकिंग में आज तक गई हूँ सभी बच्चों ने जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो हमेशा लास्ट में किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर मार्क्स नहीं देते हैं। देखिए, बच्चे ने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है, ये मैटर ये करता है, क्वेश्चन चाहे पहले किया हो चाहे बाद में किया हो, आपने सिर्फ यूनिट को हाईलाइट करते हुए अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे वो कंपलसरी क्वेश्चन फर्स्ट हो या फिर अदर यूनिट से आपका क्वेश्चन हो। सो यहाँ पर ये डाउट में आने की जरूरत नहीं है कि आपने अगर ऐसे नहीं किया, सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है, जब हम पेपर चेकिंग के लिए जाते हैं मैंने वहाँ पर भी हंसते की चीज़ें नोटिस नहीं किया है कि हम साथ में बात करके ये बात कर रहे हैं कि अच्छे इस बच्चे ने तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में अटैम्प्ट नहीं किया तो उसके मार्क्स काट लो जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर किसी ऐसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप ये वीडियो वहाँ तक ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।